कि हमें पेंसिल को किस तरीके से पकड़ना है ड्राइंग करने के लिए। फिर हमने सीखी हैंड टेक्निक नंबर वन, जो कि हमारे हाथ में थोड़ा सॉफ्टनेस और ठहराव लाने के लिए जिसे हमने किया। आज हम करेंगे हैंड टेक्निक नंबर टू। ये टेक्निक हमारे हाथ को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करती है और जो स्ट्रोक्स जो हमें ब्रश के थ्रू या पेंसिल के थ्रू ड्राइंग करते वक्त यूज करने होते हैं, ये उसमें हमारी बहुत हेल्प करती है। इससे हमारे हाथ में मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शंस में करने की फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो आज हम करेंगे हैंड टेक्निक नंबर टू। सबसे पहले पेंसिल को इसी तरह पकड़ के जिस तरीके से हमने सीखा था कि हमें पेंसिल को टू क्लोज या टू फार नहीं पकड़ना, सेंटर से बिटवीन द टू फिंगर्स, दो फिंगर्स पे रेस्ट करके लिटिल फिंगर को फ्री करके इस तरीके से पेंसिल को पकड़ के अब हम करेंगे। ये स्पेस हमें फ्री छोड़ना है, इसे नीचे नहीं टच करना। लिटिल फिंगर को सिर्फ हम शीट पे टच करेंगे एंड सॉफ्टली पेंसिल को पकड़ के वील मूव आवर पेंसिल इन सर्कुलर डायरेक्शंस, कुछ इस तरीके से। आप पूरे हैंड की मूवमेंट देखिए, मेरा हाथ पूरा राउंड घूम रहा है लेकिन जो पेंसिल का इम्प्रेशन है वो सिर्फ सेमी सर्कुलर आ रहा है, हाफ आ रहा है। आई एम टचिंग द शीट हाफ एंड देन आई पिक अप माई पेंसिल एंड देन मूव इट अगेन फॉरवर्ड इन वेरी वेरी लाइट मोशन, ताकि पेंसिल की जो लाइंस है वो डार्क नहीं आए, बहुत सॉफ्ट इम्प्रेशन आए शीट के ऊपर, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ये शीट को हम बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे, हमारा हाथ हवा में है और हमें सिर्फ जो हमारी लिटिल फिंगर है वो शीट को टच कर रही है और इस तरीके से हम सर्कुलर मोशंस में पेंसिल को मूव कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपने पेंसिल को ठीक से पकड़ा होगा तो आपकी जो लाइंस है वो नेचुरली सॉफ्ट आएंगी, बिल्कुल हार्ड या डार्क लाइंस नहीं आएंगी और कुछ इस तरीके से हमारे जो हैंड की मूवमेंट है वो इस तरीके से होगी और हम आसानी से अपने हाथ को राउंड पोजीशन में घुमा सकेंगे। जब हम शेप्स सीखेंगे, अलग अलग शेप्स ड्रॉ करेंगे, तब ये हमें समझ में आएगा कि ये हैंड प्रैक्टिसेस करने का कितना फायदा होता है। सो ये है हमारी हैंड टेक्निक नंबर टू। सो अब हमने सीखी हैंड टेक्निक नंबर वन, हैंड टेक्निक नंबर टू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।